वहीं रामनवमी के अवसर पर दुर्ग महिला कांग्रेस द्वारा भगवा वेशभूषा में बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के बड़े मठ मंदिरों से निकलकर शहर भर का भ्रमण करती नजर आई। रामनवमी के अवसर पर रविवार को दुर्ग शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कन्या ढीमर के नेतृत्व में रामनवमी पावन पर्व के शुभ अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। यह रैली श्री राम जानकी मंदिर बड़े मठ चंडी चौक से निकाली गई और शहर का भ्रमण करते हुए वापस चंडी मंदिर पहुंची। गौरतलब है कि शहर महिला कांग्रेस द्वारा रामनवमी के अवसर पर बाइक रैली निकालकर पूरे दुर्ग शहर का भ्रमण किया गया और सभी मंदिरों में जा जा करके जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर एन वर्मा, नगर निगम सभापति राजेश यादव उपस्थित हुए। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कन्या ढीमर, रत्ना नारम देव, सत्यवती वर्मा, प्रेमलता साहू, रत्ना चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में उपस्थित थी। इस संबंध में न्यूज टीम को महिला कांग्रेस अध्यक्ष कन्या ढीमर और महिला कांग्रेस की मीडिया प्रभारी प्रीति साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो देश ग्रुप के हमारे जो जितना हमारे ग्रुप शहर के वासी है, हमारा बहुत बहुत श्री रामचंद्र जी के आज रामनवमी के पर्व में सब जगह बधाई हुई। और रामनवमी के पर्व में पूरा महिला कांग्रेस पूरा आज ये रैली निकाले गए है, जिसमें शहर विधायक अरुण बोरा जी और पूरा जितना वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेता है वो मंदिर साथ में चले हैं और युवा मंदिर बहुत साथ में चले हैं और ये पूरा विभिन्न स्थलों पे मतलब विभिन्न स्थलों पे पूरा भ्रमण निकाले गए हैं। ये संदेश देना चाहता हूँ कि राम भगवान सबकी है, कोई एक का नहीं। वासियों को नवरात्रि पर्व की और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये उद्देश्य था कि राम किसी एक का नहीं है, जितने भारतवर्ष प्रत्येक नागरिक सभी के राम है। यह रैली महिला कांग्रेस के नेतृत्व में निकाला गया था और इसमें वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष माननीय हमारे अरुण वट भैया जी थे, गया पटेल जी, आर एन वर्मा जी, सभी इस रैली में भागीदारी लिए और पूरे महिला कांग्रेस के हमारे जितनी भी बहन हैं, पदाधिकारीगण हैं और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती कन्या ढीमर जी के नेतृत्व में यह रैली निकाला गया था और बड़ी मठ चंडी मंदिर से लेके पूरे पटेल चौक, ग्रीन चौक से होते हुए चंडी मंदिर में ही इनका समापन किया गया। रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य रैली निकाला गया महिला कांग्रेस के द्वारा, अध्यक्ष हमारी कन्या दीदी उनके द्वारा पूरे सहयोग से सभी महिलाएं और युवा मंच जो भी है कांग्रेस के सब सभी लोग मिलजुल कर भाग इसमें सब भाग। क्या उद्देश्य था भाई रैली निकालने का? उद्देश्य तो हमारा बहुत अच्छा रहा, इसमें हजारों महिलाएं कांग्रेस। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।